कांग्रेस को ये तय करना है कि वो आगे कैसे करना चाहते हैं। देखिए तो आपका तो हो गया भाई सवाल खत्म, उसके बाद ये तय कांग्रेस को करना है, मुझे नहीं। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ख्याति अर्जित करने वाले प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने सक्रिय राजनीति में दूसरी पारी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जेडीयू के साथ पहली पारी की शुरुआत की लेकिन सफल नहीं रहे और जल्द ही अपने पुराने पेशे का रुख कर लिया था। अब एक बार फिर से उन्होंने सक्रिय राजनीति में लौटने का फायदा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर के शामिल हो जाने की खबरें बीते कई दिनों से लगातार सुनने में आ रही थी। प्रशांत किशोर के लगातार कांग्रेस पार्टी से नजदीकियां बढ़ने के बाद कांग्रेस में ना शामिल हो जाने का फैसला भी आ गया और अब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कह दिया है कि कांग्रेस को किसी की जरूरत ही नहीं है। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, पार्टी के भविष्य को लेकर, सुनिए जरा। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया और पहले भी अपने इंटरव्यू में बताता रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस को ये तय करना है कि वो आगे कैसे करना चाहते हैं। देखिए तो आपका तो हो गया भाई सवाल खत्म, उसके बाद ये तय कांग्रेस को करना है, मुझे नहीं। और उन्होंने उचित समझा, वो उन्होंने डिसीजन लिया, मुझे जो उचित लगा वो मैंने डिसीजन लिया। कांग्रेस को किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। पार्टी में मेरे से बहुत ज्यादा काबिल अनुभवी लोग बहुतेरे पड़े हुए हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। मुझे उन्होंने बुलाया, अवसर दिया तो मैंने जाकर अपनी बात बताई। बुलाएंगे तो जाएंगे। अब भाई वो क्यों बुलाएंगे, अभी तो बात खत्म की है, रोज रोज उसी बात को करने का।